वेलकम टू सिग्नल सर्किट। यहाँ हम आपको प्रोसीजर दिखा रहे हैं हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक कंट्रोलर है और एक बैलेट है। कंट्रोलर को पहले हम सप्लाई देते हैं एडाप्टर से, सप्लाई या कनेक्ट करने का कंट्रोलर के। ये ऑन ऑफ स्विच है, इसे हम कंट्रोलर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद स्क्रीन पे दिखाता है वेलकम टू सिग्नल सर्किट, कनेक्ट बैलेट टू कंट्रोल यूनिट। ये बैलेट के मेल कनेक्टर है। ये मेल कनेक्टर हम कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो बैलेट ऑन हो जाएगा। पहले हम जो भी डेटा है पहले का और रिजल्ट जो स्टोर है वो क्लियर करेंगे। इसके लिए हम पहले क्लोज दबाएंगे, क्लोज के बाद रिजल्ट दबाएंगे, तो सब जो भी रिजल्ट सेव है वो रिजल्ट जाएगा। इसके बाद हम फिर से कंट्रोलर ऑन और ऑफ करेंगे। अब जो रिजल्ट था वो गया कंट्रोलर से। इसके बाद हम क्लियर बटन दबाएंगे, क्योंकि सब डेटा क्लियर होने के बाद जो सेटिंग थी वो क्लियर होने के लिए हम क्लियर दबाएंगे। अब ये सब क्लियर हो गया कंट्रोलर से, सब डेटा भी क्लियर हो गया। फिर से हम ऑन ऑफ करेंगे कंट्रोलर। अब हम सेटिंग करेंगे। अब देखिए बैलेट पे, जिस तरह बैलेट पे है आपकी जैसी सेटिंग है, जैसे कैंडिडेट खड़े हैं उसके हिसाब से हम सेटिंग करेंगे। देखिए इधर कैसा है, हमने जो बैलेट लगाया इसमें 3 में से 1 पोस्ट और एक एम्प्टी बटन, 3 में से 1 पोस्ट और एक एम्प्टी बटन, ऐसे हम इसके जैसे सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए कैन सेट मतलब कैंडिडेट सिलेक्टेड का बटन दबाइए। ये दबाने के बाद सीढ़ी आता है। सीढ़ी मतलब कितने कैंडिडेट खड़े है उसका क्वांटिटी करने का। अभी देखिए पहले कैटेगरी में 3 खड़े है, तो हम 3 तक दबाएंगे, 3 दबाए और इसके बाद हम ओके करेंगे। ओके का बटन प्रेस करेंगे, ओके दबाए। एनपी मतलब कितने कैंडिडेट इलेक्ट होंगे, इसलिए इतना अभी इसमें 3 में से 1 पोस्ट है तो हम 1 दबाएंगे, 1 और ओके दबाएंगे। उसके बाद ओके, अभी एमटी की कितनी है, 1 एमटी की हमने दी है तो 1 एमटी की दबाएंगे। इसके बाद ओके दबाएंगे। अब कैटेगरी फर्स्ट क्लियर, कैटेगरी फर्स्ट पूरी हो गई। अब कैटेगरी सेकंड के आ जाएंगे, इसके लिए हम फिर से कैन सेट बटन दबाएंगे। अभी कैटेगरी 2 आ गई। अब कैंडिडेट कितने हैं, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 दबाएंगे कैंडिडेट, ओके दबाएंगे। उसके बाद एनपी कितने कैंडिडेट इलेक्ट होंगे, 1 पोस्ट तो 1, अभी ओके दबाएंगे। एमटी की 1 है तो 1 दबाएंगे, ओके दबाएंगे। अभी कैटेगरी 2 कंप्लीट हो गई। अभी कैटेगरी 3 के लिए कैंसिल बटन फिर से दबाएंगे। अभी कैंडिडेट कितने हैं, 3 है तो 3 दबाएंगे, ओके दबाएंगे। एनपी 1 है, ओके दबाएंगे। एमटी की 1, ओके। अब कैटेगरी 3 पूरी होगी। अब फोर्थ कैटेगरी फिर से हम कैंसिल बटन दबाएंगे, 3, ओके। कैन एनपी 1 है, एनपी दबाएंगे। अब ओके करेंगे। एमटी की 1 दबाएंगे, ओके करेंगे। अब सब से कैटेगरी 4 कंप्लीट हो गई। अभी क्लियर दबाएंगे। इसके बाद क्लियर दबाने से सेटिंग कंप्लीट होती है। सेटिंग कंप्लीट हो गई। एंटर बैलेट, कितने बैलेट लगाए उसका क्वांटिटी लिखने का। अभी एक ही बैलेट लगाए तो 1 दबाए। अभी ओके दबाएंगे। अभी सब हो गया। अभी वोट रिलीज़ करेंगे। वोट रिलीज़ करने के बाद ये बैलेट एक्टिव हो जाएगा। देखिए 4 आ गया, मतलब टोटल 4 पोस्ट है हमें सिलेक्ट करना है, इसमें से 1 करना है। अभी देखिए, अभी देखिए 1 दबाया हमने, फर्स्ट बीपी सिंह को हमने जिताया तो एलईडी ऑन होगा। अभी इसको वोट दे दिए हमने। अभी दूसरे को वोट देने का हमने प्रयास कर रहे हैं लेकिन होता नहीं, क्योंकि इसमें से 1 ही पोस्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1 ही होगा। अभी दूसरे देखें, 1 पोस्ट है इन तीनों में से, तो हमने राजेश को वोट दिए, उनको जिताया तो वोट गया। अभी इसमें से इसको दबाएंगे, नहीं होता, एक ही बार होता है, ज़्यादा वोट नहीं मिलते। अभी इसमें से देखिए 1 को वोट देंगे, हमने गौतम को दिया, वोट गया। अभी इससे नहीं होगा, एक ही बार वोट होगा, जितने पोस्ट है उतनी बार ही वोट होगा। अभी तीसरे का दो का दे दिए, फिर से हम वोट रिलीज करेंगे। अभी देखो किसी कैंडिडेट को, किसी कैंडिडेट को, वोटर्स को एक को भी वोट नहीं देना,
वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो नोटा दबाएगा, मतलब नॉट इंटरेस्टेड हो गया। इस तरह हम वोट 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 देंगे, वोटर्स वोट देगा। इसके बाद सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ टोटल बटन है, टोटल बटन से आपको पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट ने वोट दिए हैं, टोटल वोट्स टू। व्यू में से आपको पता चलेगा कि सेटिंग कैसी है, व्यू बटन दबाने से सेटिंग आपको पता चलेगी। जितने बार आप वोट रिलीज करेंगे उतने बार बैलेट एक्टिवेट होगा और सब वोटर्स ख़त्म होने के बाद आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट बटन दबाने से आपको रिजल्ट दिखेगा। क्लोज और रिजल्ट बटन दबाने से आपको रिजल्ट दिखेगा, कितने कैंडिडेट को दिया है, दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला है, तीसरे कैंडिडेट को कितना मिला है, चौथे कैंडिडेट को कितना मिला है, पांचवे कैंडिडेट को कितना मिला है, छह कैंडिडेट को एक वोट दिया है हमने, जितना रिजल्ट दिया है इसमें से दिखेगा। और हमारे पास विनर एक्स का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से आपको 5 मिनट में आपको एक्सेल शीट मिल जाएगी। एक कंट्रोलर हम कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर का कनेक्ट करने के बाद आपको रिजल्ट एक्सेल शीट और पीडीएफ में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।